हेलो गैस यहाँ पे है आज मेरे पास मोटो का G34 5G फोन ये दोस्तों दस हज़ार के बजट में फ़ोन मिलता है और इसमें आपको काफ़ी सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है जैसे कि इस तरीके से लोगों पे डबल टैप करने के बाद स्क्रीन शॉट हो जाएगा और इस तरीके से फ्लिप करने के बाद कैमरा ओपन हो जाता है और इस तरीके से सेक से करने के बाद तो ये सारा फीचर्स मिल जाता है इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर और भी काफ़ी सारा फीचर्स है तो एक एक करके सारा फीचर्स आप लोग को बताने वाले हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो गैस सेटिंग के अंदर स्कॉल अप कीजिए और यहां पे आपको गेसर करके एक ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर दोस्तों आधा से ज्यादा आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा इस फोन का तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन बटन है ये देखिए तीन बटन जो है ना इसको गैप करके अगर फुल स्क्रीन मोड करना है तो इस बटन को क्लिक कीजिए ये फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा इसके साथ दोस्तों यहाँ पे वन हैंड मोड मिल जाता है स्वैप टू तो स्लिप का ऑप्शन मिल जाता है इसे ऑन कर लीजिएगा इससे ये हो कि आपको अगर स्प्लिट स्क्रीन करना है तो यहाँ पर स्क्रीन को इस तरीके से करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन आएगा यहाँ पर टैप करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाता है जिसे आप दोस्तों कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अप डाउन करके और नहीं चाहिए तो इस तरीके से स्वैप डाउन कर दीजिए जी ये आपका नॉर्मल मोड हो जाएगा थ्री फिंगरप्रिंट प्रिंट स्क्रीन शॉट का ऑप्शन मिल जाता है इसे ऑन कर लीजिए इस तरीके से थ्री फिंगर को टच करके रखिएगा तो यहाँ पे आपका स्क्रीन शॉट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अगर गौर से देखिएगा तो पावर बटन के अंदर कुछ फीचर्स दिया गया है जैसे कि देख सकते हैं डबल प्रेस पावर की यहाँ पे टैप करने के बाद लॉन्च कैमरा है और रन भी कर सकते हैं आपका फोन के इस पावर बटन को डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेस एंड होल्ड पावर बटन है यहाँ पे टैप करने के बाद पावर मेनू आएगा या फिर गूगल असिस्टेंट आएगा यहाँ से आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से टैप करने के बाद गूगल असिस्टेंट चालू होता है पावर बटन वाला ऑप्शन नहीं आता आपको अगर पावर मेनू चाहिए इस पर टैप कर दीजिए उसके बाद जिस तरीके से टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पावर मेनू का ऑप्शन आ जाता है जिससे आप फ़ोन को ऑफ कर सकते हैं ये रिस्टार्ट कर सकते हैं यहीं पे दोस्तों आपको काफ़ी कमाल का फीचर्स मिल जाता है इस कॉल अप करने के बाद यहाँ पे आपको क्विक लॉन्च का ऑप्शन मिल जाता है इस पर टैप करने के बाद ये आपका ऑफ रहेगा ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिए और सेटिंग में जाके डबल टैप करने के बाद कौन सा एप्लीकेशन ऑन होगा या फिर क्या ऑन होगा यहाँ पर आपको सारा चीज़ दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन में सेट करके रखा हूँ और यहाँ पर एक बार बैक करने के बाद ट्राई इट आउट पे जाइए और यहाँ पे डबल प्रेस कीजिए और इस तरीके से डन कर दीजिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्क्रीन शॉट लेगा यहाँ पे क्रोम ओपन कर दिया हूँ और यहाँ पे इस तरीके से डबल टैप करने के बाद ही स्क्रीन हो जाता है ये देखिए कुछ इस प्रकार से तो काफ़ी मस्त फीचर्स लगा मुझे इस फ़ोन में ये वाला फीचर्स और यहाँ पर देखिए क्विक कैप्चर का ऑप्शन मिल जाता है तो इस तरीके से ये आपका ऑफ़ रहेगा इसे ऑन कर लीजिए ऑन करने से होगा कि इस तरीके से फ़ोन को सिर्फ फ्लिप कीजिएगा तो आपका कैमरा ओपन हो जाता है फ़ोन को इस तरीके से सेक करने के बाद यहाँ पे टॉर्च लाइट ऑन होता है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ्लैश टॉर्च इस पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन ऑन कर देना है उसके बाद क्या होगा कि इस तरीके से जब सेक कीजिएगा फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा फिर इस तरीके से सेक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फ्लैश लाइट ऑफ हो जाता है उसके बाद यहाँ पे लिफ्ट टू अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है तो जैसे ही आप फ़ोन को हाथ में लेते हैं तो लॉक ओपन हो जाएगा ये फीचर्स है यहाँ पे देखिए पिक अप टू साइलेंस का ऑप्शन मिल जाता है इस पर टैप करने के बाद इसे ऑन कर लीजिए सपोज़ मान लीजिए रिंग हो रहा है फ़ोन ओके जैसे ही फ़ोन आप हाथ में लेते हैं तो आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा रिंग बजना बंद हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आखिरी एक ऑप्शन मिल जाता है फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब तो इस ऑप्शन पे जाके इसे ऑन कर लीजिए तो आप अगर कोई कॉलेज वगैरह में है या फिर ट्यूशन वगैरह में है ऑफ़िस में है कॉल आ रहा है या फिर आप कुछ भी देख रहे हैं फ़ोन को जस्ट इस तरीके से फ्लिप कर दीजिए फ़ोन जो है एकदम डू नॉट डिस्टर्ब हो जाएगा जो भी साउंड बज रहा है वो सब बंद हो जाएगा नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड सेटिंग के अंदर पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है जैसे कि आपको अगर वॉलपेपर वगैरह लगाना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे देखिए थीम का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको जो थीम चाहिए यहाँ से सेट कर सकते हैं इसके अलावा फ्रंट का भी ऑप्शन मिल जाता है अपने हिसाब से यहाँ पे फ्रंट चेंज कर सकते हैं कलर भी दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और आइकन का जो सेफ है उसे भी दोस्तों आप अपने हिसाब से सर्कल में चाहिए या फिर स्क्वायर में चाहिए यहाँ पे आप सारा चीज सेफ कर सकते हैं नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड सेटिंग के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क थीम का एक ऑप्शन मिल जाता है मतलब फोन को अगर डार्क मोड करके यूज करना है तो डार्क थीम इनेबल कर दीजिए बैकग्राउंड जो है एकदम ब्लैक हो जाएगा और फोन जो है पूरा फुल्ली ब्लैक हो जाता है मतलब डार्क मोड एनेबल हो जाता है जिससे दोस्तों आपका फोन, फोन का बैटरी जो है काफी हद तक बचने वाला है उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है ये ऑटो पे सेलेक्ट है आपको अगर 120 ट्वेंटी हर्ट्स हर चीज़ में चाहिए तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है आपको अगर कोई एप्लीकेशन में स्क्रीन छोटा मिल रहा है ये पंच होल कैमरा वगैरह यहाँ पे आपका नॉच आ जा रहा है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसे ऑन करके स्क्रीन को फुल कर सकते हैं और डाउन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है तो इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे आप अपने फ़ोन का जो भी कुछ कीजिएगा रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको अगर टच पॉइंट शो कराना है तो इसे ऑन कर लीजिए जहाँ पर भी टच कीजिएगा रिकॉर्ड होते वक्त वहाँ पर आपका शो करेगा मतलब आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत ही नहीं है आपको अगर गेमिंग वगैरह रिकॉर्ड करना है खेलते टाइम तो आराम से कर सकते हैं इस फोन में नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिलता है जैसे कि नोटोवेशन हिस्ट्री इसे ऑन कर लेने के बाद क्या होगा कि आप गलती से अगर हिस्ट्री को क्लियर कर देते हैं तो इस जगह पे आपको सारा नोटिफिकेशन शो करने लगेगा जो आप गलती से हटा भी दिएगा उसी के साथ आप अगर थोड़ा डाउन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बबल का ऑप्शन मिल जाता है ये आपको ऑफ रहेगा इसे ऑन कर लीजिए इससे ये होगा कि कॉल आता है या फिर मैसेज आता है बबल का तरह शो करेगा जैसे मैसेंजर में शो होता है तो आपको आसानी होगा यहाँ पे आप टैप करके डायरेक्टली जंप कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको एक काफी कमाल का फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि फ्लैश नोटिफिकेशन है इस पे टैप करते हैं तो यहां पे दो ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन फ्लैश है और कैमरा फ्लैश है मतलब स्क्रीन फ्लैश आप अगर ऑन कर देते हैं तो क्या होगा कि स्क्रीन का लाइट बंद होगा चालू होगा और आप अगर कैमरा फ्लैश कर देते हैं तो ये ये वाला जो फ्लैश लाइट है कॉल आने के बाद जलेगा नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो तो फ्रेंड्स ये फोन आप लेते हैं तो यहां पे आपको बैटरी परसेंटेज कुछ इस तरीके का शो करेगा लेकिन यहाँ पे बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता तो सेटिंग में दोस्तों पे आपको बैटरी में जाना है और सबसे लास्ट ऑप्शन पे मिल जाता है बैटरी परसेंटेज इसे ऑन करने के बाद यहां पे आपको बैटरी परसेंटेज भी शो करने लगेगा नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एसेबिलिटी इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है यहां पे देखिए सिस्टम को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं मेरा ऑफ है और यहाँ पे एक्स्ट्रा डिम का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे एक फीचर्स जो है मुझे काफी कमाल का लगा जैसे आप देख सकते हैं वाइब्रेशन एंड हैप्टिक का एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे वाइब्रेशन के रिलेटेड सारा चीज दिया गया है आपको किस तरीके का वाइब्रेशन चाहिए कौन सा एप्लीकेशन में कहा वाइब्रेशन चाहिए यहाँ पे आप पूरा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं एसिबिलिटी के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम कंट्रोल इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पावर बटन एंड कॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है तो ये काफ़ी काम में आता है आपको अगर इंस्टेंट फ़ोन को कट करना है तो इसे ऑन कर लीजिए और यहाँ पर पावर बटन प्रेस करते ही फ़ोन कट हो जाएगा नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको एक सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ऑप्शन है यहाँ पे एक परफॉर्मेंस का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको इसे ऑन कर लेना है इससे ये होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह ऑन करते हैं तो इंस्टेंट वो ओपन हो जाएगा डिले नहीं होगा आखिरी फीचर्स की बात करें तो गैस यहाँ पे सेटिंग के अंदर सिस्टम के अंदर यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स का ऑप्शन मिल जाता है इसे ऑन कर लीजिएगा इससे ये होगा कि आपका तो एक मेन यहाँ पे पेज बना हुआ है उसके बाद दोस्तों ऐड यूज़र करने के बाद एक दूसरा गेस्ट अकाउंट का तरह बन जाएगा उसमें ये होगा कि आप अपना अलग से कुछ सेट करके रख सकते हैं सपोज़ मान लीजिए घर पर दो जन के लिए ये फ़ोन ख़रीद रहे हैं ब्रदर सिस्टर के लिए तो ब्रदर अपना अलग से यहाँ पे प्रोफाइल बना के रख सकता है और सिस्टर एक अलग से प्रोफाइल बना के रख सकती है तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे फीचर्स मिल जाता है मोटो जी थर्टी फोर फाइव जी फोन में तो आपको इन सारे फीचर्स में से कौन सा फीचर बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जो भी है बताया ये फोन आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फोन को बाय करने का सोचा है तो बाय डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप इसे आसानी से बाय कर सकते हैं तो वैसे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जय हिंद